राजस्थान में दो चरणों में लोकसभा चुनावों को लेकर मतदान संपन्न हो चुके हैं हालांकि प्रदेश में हुए लोकसभा चुनावों में कांग्रेस और बीजेपी के आलाकमान नेताओं ने 25 सीटों पर जीत को लेकर पुरजोर कोशिश की है ऐसे में बीजेपी के मिशन 25 की जीत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सहित बीजेपी नेताओं को चिंता सताने लगी है अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या बीजेपी के मिशन 25 को ग्रहण लग सकता है हालांकि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी राजस्थान में अपनी सीटों को लेकर 25 में से 22 तेईस सीटों पर जीत का दावा किया है तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित एक के बाद एक केंद्रीय नेता चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए राजस्थान पहुंचे थे साथ ही मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सहित दोनों डेप्यूटी सी और कई मंत्री भी धुआंधार प्रचार में जुटे हुए थे इतना ही नहीं विधानसभा चुनाव में हारने वाले और राजेंद्र राठौड़ भी अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जाकर वसुंधरा राजे, राजे दूर ही नजर आई क्या वसुंधरा राजे अपने बेटे को चुनाव जिताने के लिए झालावाड़ लोकसभा क्षेत्र से बाहर ही नहीं गई या फिर आला कमान ने ही राजे को इन चुनावों में ज्यादा तवज्जो नहीं दी क्या राजे केवल अपने बेटे की सीट तक ही सीमित रह गई हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाम भाजपा के स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल है मगर केवल झालावाड़ को छोड़कर वो प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भाजपा के समर्थन में प्रचार करती नजर नहीं आई वसुंधरा राजे केवल अपने पुत्र दुष्यंत सिंह के क्षेत्र में लगातार प्रचार प्रसार में जुटी रही और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी सभाओं में भी वसुंधरा राजे का दिखाई नहीं देना सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना रहा केवल 6 अप्रैल को जब भाजपा का स्थापना दिवस था तब वसुंधरा राजे जयपुर की बजाय दिल्ली स्थित प्रदेश कार्यालय में उपस्थित रही और ऐसे में राजस्थान के सियासी गलियारों में यह सवाल है कि आखिर वसुंधरा राजे ने चुनाव प्रचार प्रसार से दूरी क्यों बनाई कभी पार्टी का प्रमुख चेहरा रही वसुंधरा राजे पार्टी के पूर्व प्रचार में शामिल होगा इसकी जानकारी लगातार दी जाती रही लेकिन स्टार प्रचारक होने के बावजूद राज्य का कोई कार्यक्रम झालावाड़ से बाहर का नहीं बना ऐसे में पार्टी का वो चेहरा जो कभी बड़े चेहरे बड़े व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता था वो गायब आपको बता दें कि राजस्थान में जब से 2023 के विधानसभा चुनाव की भी भी तब से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे गायब ही नजर आई विधानसभा चुनाव में पार्टी ने प्रदेश के किसी भी नेता को पार्टी का चेहरा नहीं बनाया और बहुमत मिलने के बाद पहली बार विधायक बने बजन शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया गया पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के पास फिलहाल सरकार में कोई पद नहीं है वह एक सामान्य विधायक है लोकसभा चुनाव में भी राजे के प्रचार प्रसार का कार्यक्रम पार्टी की ओर से जारी नहीं किया गया था जबकि अन्य नेताओं के कार्यक्रम पार्टी की ओर से लगातार जारी किए जाते रहे ऐसे में सियासी गलियारों में यह सवाल भी गूंज रहा है कि वसुंधरा राजे के प्रचार से दूरी बनाए रखने पर पार्टी का नफा होगा या नुकसान लोग भले ही कुछ भी कयास लगाए मगर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की कोई नुकसान नजर नहीं आ रहा विधानसभा चुनाव में भी राजे चुनिंदा क्षेत्रों में ही प्रचार के लिए गई थी कुछ क्षेत्रों में वे पीएम मोदी के साथ मंच पर जरूर मौजूद रही मगर लोकसभा चुनाव में केंद्रीय नेताओं के साथ पूर्व सीएम राज्य का कोई कार्यक्रम तय नहीं हुआ था ऐसे में अब वसुंधरा राजे का इन लोकसभा चुनावों में प्रचार नहीं करना बीजेपी को नुकसान पहुंचा पाएगा या फिर मोदी मैजिक ही चलेगा ये तो आने वाली तारीख जून को ही पता लग पाएगा ब्यूरो रिपोर्ट पंजाब केसरी राजस्थान